हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं, गुजरात से हमारे यहां पे मेहमान आए हुए सर आए हैं और महाराष्ट्र से आए हैं, तो मैं उन लोगों से आपका परिचय करवाऊंगा जो कि यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं और हमारा चैनल को देखते हैं। सर, यूट्यूब पे हमारे वीडियो देखे हैं और उनका पोल्ट्री करते हैं, तो इनको भी मन बनाया कि हम भी अपने पोल्ट्री पे अपना खुद का फीड बनाए और खुद के फीड से मुर्गी पालन करें। तो मैं अब साथियों सर से आपका परिचय करवाता हूँ एक एक करके। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार सर, आप क्या नाम है और कहाँ से आए, अपना एड्रेस बताइए। हर्ष पटेल, गुजरात, राजकोट। थोड़ा सा तेज बोलिए। हर्ष पटेल, गुजरात से। गुजरात से सर, आप कहाँ से आए? थोड़ा सा तेज बोलिए। जिला कौन सा है आपका? राजकोट। राजकोट जिला है, गुजरात। गुजरात जी। और कौन सी जगह एड्रेस है राजकोट में? राजकोट में गोंडल में। गोंडल में। अच्छा, चलिए ठीक है, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, आप सर कहाँ से आए? महाराष्ट्र नांदेड़ से आए। महाराष्ट्र नांदेड़ से। जिला कौन सा है आपका? नांदेड़। नांदेड़। अच्छा, और आपका जो शहर है जहाँ आप रहते हैं वो कौन सा है? सर आप अपना पूरा एड्रेस ही बताइएगा क्योंकि सब लोग सिलो सिलो बोल रहे हैं, और आप पूरा महाराष्ट्र में कौन सी जगह से आए फुल एड्रेस बताइएगा, ताकि जो आसपास के लोग भी सुनते हैं या जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सके, मिल सके या जानकारी आपसे ले सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य सर इससे ये होता है कि जो लोग हमसे मिल के जाते हैं वो पूरा फार्म भी विजिट कराते हैं और जानकारी भी देते हैं, तो आधी जानकारी आपके पड़ोसी आपसे ले सकते हैं। सर मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से आया हूँ, मैं खुद का पोल्ट्री फार्म करता हूँ। हाँ, मैं आपका यूट्यूब पे देखा है सर्च करने के बाद। पोल्ट्री खुद का ये ग्राइंडर से जो अपन ये बनाने खाद्य खुद को बना सकते हैं, ऐसा आपका जो विचार मुझे देखा बहुत पसंद आया, मैं तो इसके लिए मैं नांदेड़ से महाराष्ट्र से आया हूँ। देखने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा और अपना पोल्ट्री फार्म खुद ही जो पैसा जो वेस्ट ज़्यादा किसी को कंपनी को देने के वजह से अपन खुद को खुद घर पे बनाने के लिए सोचा, और ये अपन एक तो छोटे किसान है जो बना सकते घर पे, ये आपको देखने के बहुत बहुत बड़ा हौसला बढ़ गया मेरा इसका लिए। खाद्य में और कंपनी का ही देखा, ये जो है एक ब्रांडेड कंपनी का और अच्छा कंपनी का ही है, और ये जो आप ये जो है आपका ब्रांडर से बनाया हुआ है, और इस समय मैं देखने के बाद भी कुछ ऐसा ज़्यादा ये भी नहीं देखा, सेम टू सेम है दोनों भी। हाँ, ये एक ब्रांडेड कंपनी, ये जो नाम है बड़ी ब्रांडेड कंपनी है, मैं बता ही देता हूँ, गोदरेज कंपनी का फीड है सर लेके आए हैं जो अपने चूजे को खिलाते हैं। हाँ। और ये हमारे ग्लैंडर से बना हुआ घर का फीड है, दोनों में आप जरा सा भी अंतर नहीं बता सकते हो। जैसा कि ये कंपनी का फीड है इसी तरह का ये फीड बिल्कुल सेम टू सेम है, 1% भी आप अंतर किसी में नहीं बता सकते हो। जैसा कि गोदरेज कंपनी आपको फीड बना के देती है उसी प्रकार का फीड आप अपने फार्म पे बना सकते हो। और दोस्तों हम जो फार्मूला बताते हैं सर, ये फार्मूला मेरा या आपका नहीं है, ये उन्हीं ब्रांडेड कंपनियों का फार्मूला होता है जो कि अपना कंप्लीट फीड बेचती है, वो 10% भी देती है, कंसल्टेंट भी देती है, उसमें सिर्फ अपना मक्का DOC मिला के आप अपना फीड तैयार कर सकते हो। देखिए फीड नज़दीक से दिखाइए, ये मैश फीड है सर, इसमें कौन सा फीड किसका है आप जरा सा भी अंतर नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। ये जैसा अगर आप मिक्स करा तो किसी को पता नहीं चलेगा जी, एक गोदरेज कंपनी का, ये गोदरेज कंपनी का है जी। और ये आपका आप बनाए हुआ है जी, ये कंपनी देखिए दोनों में जरा सा भी अंतर आप नहीं बता सकते हो ये कौन सा है। सर अपने यहाँ से फीड लेके आते हैं, जो फीड ये अपने फार्म पे यूज करते हैं, साथियों 10% हम किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनियां फीड बेचती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कंपनी गलत फीड बेचती है, सब कंपनियों का अच्छा फीड होता है, बट जो रेडीमेड फीड बेचती है वही कंपनी का 10% भी बेचती है वो, और 33% कंसल्टेड भी बेचती है। कहने का मतलब या तो आप रेडीमेड फीड पूरा खरीदिए, रेडीमेड नहीं खरीद सकते हो तो आप 33% लीजिए, उसमें अपना मक्का मिलाइए कंसल्टेड में और फीड बन जाता है सर 35, जहाँ पे कच्चा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। और यदि आपके पास में कच्चा मटेरियल अवेलेबल है तो आप सिर्फ 10% उनका फार्मूला लीजिए, उसमें अपना मक्का DOC ऑयल मिला के और मिक्स करके अपने इस शानदार ग्लैंडर से, जो हेमर ग्लैंडर, इससे अपना फीड तैयार कर सकते हो। जैसा कि मैं सर को दिखा रहा था,
ये हेमर ग्लैंडर है। अब सर ही बताएंगे इसके बारे में, बहुत कुछ बता चुका हूँ काफी वीडियो में। तो सर ये आपको कैसा लगा और क्या क्या विशेषता लगी इसमें? इसे में कैसा मिक्सर लेने की जरूरत नहीं, पकड़ लीजिए, मिक्सर लेने की जरूरत नहीं है इसमें। आपने जो आते हैं वो तीन आ जाते हैं, एक तो फिनिस्टर, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिस्टर, तीन प्रकार की जाली आती है, तीनों ही बना सकते हैं। और इसके लिए मिक्सर उक्सर लेने की 1-1.5 लाख रुपए की कोई जरूरत नहीं है, ये अपना 30-35 हजार रुपए में काम चले जाते हैं। और इसका कैसा लाइफ टाइम है, ये कभी टूटने वाला नहीं है, कुछ ये करने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया जानकारी सर। सर बता रहे थे कि इसमें जो हेमर लगे हैं बहुत हेवी हेमर है, ये 3000 RPM से घूमते हैं। और साथियों मैं आपको एक चीज बता दूं कि यदि आपके पास में बजट है 5 लाख का 2 लाख का 10 लाख का, तो आप कितना भी बड़ा प्लांट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं कि आप बड़ा प्लांट मत लगाइए, लेकिन आप इस छोटे हेमर ग्लैंडर से जिसकी कैपेसिटी बहुत हाई है, इससे भी आप बिल्कुल सेम टू सेम 10 लाख के प्लांट से जो फीड बनता है वैसा के वैसा ही सेम फीड आप बना सकते हो। 1-2 हजार से का छोटा पोल्ट्री फार्मर या 1 हजार का छोटा पोल्ट्री फार्मर भी इस ग्लैंडर मशीन से अपना फीड बना सकता है। और ये बहुत अच्छा ग्लैंडर है, इसमें बहुत बढ़िया मिक्सिंग और कटिंग होती है। इसके साथ में आपको मिक्सर लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी आई है और फीड में कोई अंतर नहीं होता। साथियों मुर्गा आपका FCR अच्छा लेगा, वजन अच्छा लेगा और फीड से संबंधित सारी बीमारियां आपकी आएगी ही नहीं, खत्म हो जाएगी। तो वीडियो लंबा हो रहा है, हमने सभी मेहमानों से आपका परिचय करवाया। अब मैं सर से जो गुजरात से आए इनसे और बात कर लेते हैं कि हमसे मिलकर कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा जी। फीड कैसा लगा सर? आप खुद फीड लेके आए थे, क्योंकि दोनों फीड में कोई अंतर नहीं है, सब सेम ही है। सेम ही है। मैंने हमने सर को बड़े पोल्ट्री फार्मर हमारे मित्र का मुझे भाई उनका भी विजिट करवाया, वो भी 40,000 का मुर्गी पालन अपने फीड से करते हैं। सर ने देखा वो एक ही मशीन से सब पूरा उसका 40,000 का प्रोडक्शन करते हैं उस मशीन से, ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं उसमें, एक ही मशीन से सब हो जाता है। तो साथियों ये सब वीडियो बनाने से हमारा जो है उद्देश्य सर ये होता है कि जैसे मैं खुद अपना फार्मिंग करता हूँ, जिस टेक्नोलॉजी से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, अपने फीड पे दाना बना रहा हूँ, मेरा कोशिश ये होता है कि जो मैं खुद करता हूँ आपको बताता हूँ। पहले खुद प्रैक्टिकल दाना बनाता हूँ, उस दाने से मुर्गी पालन करता हूँ, रिजल्ट लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। हमारा कोशिश ये है साथियों कि दाने का फीड का रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया है, मतलब ये समझ लीजिए कि 3700-3800 रुपए तक पड़ रहा है। तो आप खुद दाना अगर घर पे बनाएंगे तो आपको 600-700-800 रुपए कुंटल तक का अंतर आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आपकी असली बचत वही होती है। तो हम तो रिक्वायरमेंट करेंगे कि आप अपना खुद का फीड बनाइए। यदि आपके पास में बजट है तो आप बड़ा ग्लैंडर ले लीजिए, और बजट नहीं है या आप भाई खुद का फीड बनाना चाहते हैं तो हमारी तरह आप इस हेमर ग्लैंडर मशीन से भी अपना फीड बना सकते हैं। साथियों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।